प्रयागराज में प्रदेश का पहला आयकर और जीएसटी से संबंधित मोबाइल ऐप फिक्स माई टैक्स ऐप लॉन्च किया गया। यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 में सिंगापुर की प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोट्रस्ट के साथ करार किया गया था। इसी संदर्भ में प्रयागराज में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने इस ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सिंगापुर से आए कंपनी के प्रबंध निदेशक ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से करदाताओं को बहुत सुविधा होगी। ऐप लॉन्च किया गया फिक्स माई टैक्स। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है आम जनता तक टैक्स माने इनकम टैक्स और जीएसटी से संबंधित समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से कम लागत में मिल पाए। नॉर्मली क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जो नोटिसेज आती हैं या किसी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के बाद नोटिस आती हैं, उसके बाद उसके बारे में एक आम व्यक्ति जो बहुत अर्निंग नहीं करता है वो बेखबर रहता है। फिक्स माई टैक्स सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला व्यक्ति ऐप को यूज करने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं को उस सॉफ्टवेयर में डालेगा, इस ऐप में डालेगा और बहुत ही रिजनेबल फीस देकर, कुछ जगहों पे तो फीस भी नहीं चार्ज की गई है, वो अपना आंसर या अपनी क्वेरीज का आंसर या अपनी नोटिस का आंसर वगैरह प्राप्त कर पाए। सर, हमारे जो भारतवर्ष में डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं, जैसे जीएसटी का टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, सो इसमें जब हम किसी को टैक्स का उसका जो नोटिस आया भेजते हैं तो उसके बाद जिस तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं या उसमें इफ इज नॉट सेटिस्फाइड दे कैन कम बैक टू अस थ्रू ऐप एंड सेंड अस द क्वेरीज, दे कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड। सो दिस इज वन काइंड ऑफ सर्विसेज।